नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और बूढ़ी माँ की सुंदर कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका कोई पुत्र नहीं था। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह किसी तरह अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वह बुढ़िया के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। बुढ़िया ने साधु बाबा की बहुत सेवा की, उन्हें भोजन कराया और दान भी दिया। साधु बाबा बहुत खुश हो गए और उन्होंने बुढ़िया से कहा, बताओ माई, तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तब बुढ़िया माई बोली, बाबा, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा अकेलापन दूर कर दो, मैं अकेले में रहकर बहुत थक गई हूँ। बाबा ने अपने झोले में हाथ डाला और ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर बुढ़िया को दे दी। उन्होंने कहा, इसका तुम अपने बालक की तरह लालन पालन करो। यह कहकर बाबा अपने रास्ते चल दिए। बुढ़िया ने ठाकुर जी की तन मन धन से सेवा की। बहुत समय बीत गया। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने बुढ़िया को ठाकुर जी की मूर्ति को एक बच्चे की तरह तैयार करते हुए देख लिया, तो बच्चों को एक शरारत सूझी। वो बूढ़ी माँ के पास गए और कहा, माई, तुम अपने लल्ला को अंदर ही रखो। तुम्हें पता नहीं है कि गांव में एक शेर आया है और वह छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। तुम अपने लल्ला का ध्यान रखना, नहीं तो वो शेर उठा के ले जाएगा। ये सुनते ही बूढ़ी माँ लाठी लेकर अपने दरवाजे पर पहरा देने लगी। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए। ये सब श्री कृष्णा देख रहे थे। वह बुढ़िया की भक्ति और निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुढ़िया को दर्शन देने का विचार बनाया और सुंदर वस्त्र धारण कर उसके पास आए। पैरों की आवाज सुनकर बुढ़िया को लगा, शायद शेर उनके लल्ला को लेने आया है। वह तुरंत लाठी लेकर खड़ी हो गई। श्री कृष्ण बोले, माई, मैं तो तेरा लल्ला, जा, बहुत आए तेरे जैसे लल्ला। श्री कृष्ण बूढ़ी माँ का भूलापन देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मैं वही हूँ जिसकी तुम पूजा करती हो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, अच्छा, तो आप भगवान हैं। बूढ़ी मैया ने हाथ जोड़ लिए और भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने कहा, तुम जो वर चाहो वो मांग सकती हो। इस पर बुढ़िया ने कहा, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो कृपया कर यह वर दीजिए कि मेरे लल्ला को शेर न ले जाए। भगवान उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और कहा, मैया, मैं तुम्हें और तुम्हारे लल्ला को अपने निजधाम ले चलता हूँ। वहाँ कोई शेर तुम्हारे लल्ला को परेशान नहीं करेगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को अपने निजधाम ले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कृष्णा और बूढ़ी मैया की कहानी? इसी प्रकार की अन्य कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।